इंडियन मीडिया बुक के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। 21 जून को सऊदी अरब में सोलार इक्लिप्स सूरज ग्रहण दिखाई देगा। ये जो सोलार इक्लिप्स है, सूरज ग्रहण है, इसकी शुरुआत सुबह 6:59 AM से लेके 8:13 तक रहेगा और कहीं कहीं 9:41 तक चलेगा। नेशनल एट्रोनॉमी सेंटर किंग अब्दुल अजीज के द्वारा ये कहा गया है कि ये जो सोलार इक्लिप्स है ये मक्के में 2:27 तक रहेगा, रियाद में ये सुबह 7:10 से लेके 8:23 तक दिखाई देगा। एनुलर सोलार इक्लिप्स जब होता है तब चांद सूरज के सेंटर में आ जाता है और सिर्फ सन का जो आउटर एज होता है वही दिखाई देता है। ये जो वीडियो आपको अभी दिखाई देगा ये रेसिडेंस डॉक्टर का है और ये लखनऊ से आया है। एक रेसिडेंस डॉक्टर है जो RML इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, जहां डॉक्टर साहब खुद को COVID-19 टेस्ट कर रहे हैं और वहां पे एक नर्स बैठी है जो मना कर रही है, लेकिन डॉक्टर साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप डॉक्टर के ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन बात यहाँ ये समझने की है, रूल्स की जो नसीहत होती है वो दूसरों के लिए होती है और अपने लिए सब कुछ चलता है। अगर ये डॉक्टर इतना लापरवाह है, इतना कैजुअल है, तो किसी का क्या इलाज करेगा। आप वीडियो देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। हाँ सर, किट का तो प्रॉब्लम था ना। अब आपको ये कोविड वाला उसी एरिया में लेना चाहिए था सर। यहाँ पे ये हमारा ग्रीन जोन है, यहाँ पे ये सब नहीं होना चाहिए सर। अरे मैंने बताया आपको फॉर्मेलिटी, दिस इज अ फॉर्मेलिटी। नहीं वो तो ठीक है, बट वो फॉर्मेलिटी इस वार्ड में तो नहीं होनी चाहिए। ये गानी वार्ड है। मेरे को लगा कि ये डॉक्टर्स रूम है। नहीं सर, ये गानी पॉड है और ये रूम जो पहले से इंचार्ज का हुआ करता था अभी नहीं था सर। ये टेस्ट यहाँ नहीं होना चाहिए। बताइए, डॉक्टर अपने आप आए हैं और कोविड का टेस्ट करें, सिस्टर के हाथ में पकड़ाए हैं। ये सब क्या हो रहा है ये मैं नहीं करा रही हूँ, आप देख लीजिए। ये मेरे वार्ड में अगर हो रहा है तो मैंने इनको ना बुलाया है। और ये कौन डॉक्टर साहब है, न्यूरो के डॉक्टर बता रहे हैं, मैं क्या करूँ। मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया, सारी गलती तो मेरी बोली। आज सुबह से एक हैशटैग चल रहा है जिसका नाम है मौन मोदी मिसिंग। इसमें कुछ तस्वीरें लोगों ने डाली है, अपनी अपनी सोच और अपनी अपने गुस्से को जाहिर किया है। उसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं। इस तस्वीर में देखिए क्या लिखा है। फिर से कहो ना साहब, रिजर्व बैंक, काला धन, 15 लाख, अच्छे दिन, गुजरात मॉडल, 2 करोड़ का रोजगार, सस्ता पेट्रोल, सस्ती गैस, सबका साथ और सबका विकास। तो कहीं ना कहीं अंदर से लोग गवर्नमेंट से नाराज हैं। अब ये सोशल मीडिया में इस तरह के टैग हैशटैग चलते रहते हैं, तो आज का ये हैशटैग था, मैंने सोचा आप तक पहुंचाऊं। आपका क्या इस पे टिप्पणी है कमेंट में बॉक्स में लिखिए, आपकी भी सोच जानने की जरूरत है। तमिलनाडु ने कहा है कि चेन्नई में और तमिलनाडु में अभी कोई लॉकडाउन नहीं है। ये बात उस वक्त आई जब एक फॉल्स फेक न्यूज सोशल मीडिया में घूमना शुरू हो गया। चेन्नई के लॉकडाउन के बारे में अफवाहें चल रही हैं सोशल मीडिया पर। उस मैसेज में लिखा था फिर से लॉकडाउन आने वाला है, लेकिन ये जो मैसेज है गलत है। वहाँ के CM ने कहा है ऐसी हरकत करने वाले के ऊपर जल्द ही कार्रवाई होगी। ये खबर चामराजानगर डिस्ट्रिक्ट मैसूर के पास की है, जहाँ पे एक माँ ने अपने 3 साल के बेटे को मार डाला, बाद में खुद को मार डाला। वहाँ के लोगों का कहना है कि सुबह ये माँ अपने बच्चे को लेके मंदिर गई थी, वापस नहीं आई, बाद में इन दोनों की बड़ी थी वहाँ के तालाब में मिली। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है इस बात को बिलीव करना कि कोई माँ अपने 3 साल के बच्चे को मारेगी और फिर खुद को मार डालेगी। लेकिन अभी तक का खबर यही है कि ये खुदकशी है, लेकिन आगे जांच के बाद पता चलेगा कि माँ ने खुद मारा था या किसी और ने कुछ हरकत की थी। महिला का नाम संगीता था, उनकी उम्र 24 साल थी, बेटे का नाम
करण था और वो 3 साल का था। ये जो घटना घटी है उनके गांव से 9 किलोमीटर के दूरी पर। ये घटना बेंगलोर की है। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाली फाइनल ईयर की लड़की की मौत हो जाती है। कहानी ऐसे है कि ये जो लड़की थी इनका 4 साल से किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप था। 4 साल के बाद कुछ दिन पहले इनकी रिलेशनशिप उस लड़के से ख़त्म हो जाती है। इनकी दोस्ती किसी और के साथ होती है। इसी बात के ऊपर पुराने लड़के के साथ इनकी बहसा-बहसी होती है। लड़का गुस्से में आता है, हेलमेट से उनको मारता है। इसी घटना के वजह से उनकी मौत हो जाती है। बात यह है यहाँ सोचने की, माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, गलत संगत गलत दोस्ती के वजह से 25 साल 22 साल के बाद किसी यंग लोगों का मौत होता है, तो आप सोच सकते हैं उनके परिवार वालों को कितना दर्द होता होगा। तो जो स्टूडेंट हैं उनको समझना चाहिए कि हर दोस्ती एक दायरे के अंदर रहे तो अच्छी है। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक। आपसे रिक्वेस्ट है इंडियन मीडिया बुक को कंट्रीब्यूट करें और सपोर्ट करें। इंडियन मीडिया बुक के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।